मैं संदेश भी था और संदेशवाहक भी था। मैंने और कुछ नहीं किया। मेरे दल की एक धारणा रही है, आज कर्पूरी जी की जयंती पर मीडिया के तमाम साथियों और सबसे बड़ी चीज जो आप तमाम लोग यहां इकट्ठा हैं, आपकी ताकत से मंच सजता है, आपकी ताकत से संगठन बनता है। और आपकी ताकत में एक बात ध्यान रखिएगा, हम किसी के खिलाफ नहीं खड़े थे, हम किसी के पक्ष में नहीं खड़े थे, हम संविधान के एक एक पन्ने के पक्ष में खड़े थे। हम उस पन्ने को फटने नहीं देंगे, हम उस पन्ने में सुराख नहीं होने देंगे। यही मेरे नेता का मन था, यही मेरे दल की धारणा है। आज आज दोस्तों हमारे घर में एक खिड़की बनाई गई है, इस खिड़की से बाद में एक दरवाजा बनेगा, घर के लोग बाहर होंगे, बाहर के लोग उस घर में होंगे। आप ये सिर्फ सोच लीजिए कि ये मामला छोटा नहीं है। ये दस जो बार बार लोग कह रहे हैं आमदनी बढ़ाओ, और जो लोग सोच रहे हैं कि हम उनके विपक्ष में खड़े हैं, आपके हाथों कुछ नहीं हासिल होगा। समृद्धि के 5 टापू ये पूरा का पूरा 10% भी ले जाएंगे और बाकी 40% भी ले जाएंगे। आपके हाथ में वही झुनझुना आएगा, बिना दाने वाला, हिलेगा, दिखेगा, बचेगा नहीं। मैं आखिरी टिप्पणी इतना करना चाहता हूं, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आखिरी टिप्पणी सिर्फ करना चाहता हूं अपने दल की ओर से, अपने नेता की ओर से, और उस व्यक्ति की वजह से जिस व्यक्ति ने सत्ता समीकरण के व्याकरण बदल दिए 90 में, और वो चोट आज तक लोगों को लग रही है, आज तक उन लोगों को वो चोट लग रही है। ये आर पार की लड़ाई है, गांव तक ले जाइए, सड़क पर ले जाइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बाबा साहब के संविधान को एक हाथ में पकड़िए, दूसरी तरफ लालू जी के मंथन को, उनके विचार को पकड़िए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन चुप नहीं बैठना है, चुप नहीं बैठना है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन आज की हमारी चुप्पी हम पर भारी पड़ जाएगी। सड़क शांत होती है, गांव गली शांत होते हैं, तो लोहिया जी ने कहा था कि संसद आवारा हो जाती है। संसद को मैंने बहुत करीब से इस मसले पर देखा है, कठपुतली बन गए थे सब लोग, इशारा कहीं और से था, इरादा किसी और का था, सबके सब मेज थपथपा रहे थे, चंद लोग बचे जिन्होंने मेज नहीं थपथपाई। उसमें आपके दल, आपके नेता का योगदान है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मैं संदेश भी था, संदेशवाहक भी था, और मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि ये इस मुल्क के लिए ऐसा खतरनाक क्षण है कि कल को आपके हिस्से कुछ नहीं मिलेगा। हम तो सत्ता संसाधन का बंटवारा चाहते हैं आबादी के हिसाब से, और वो लेके रहेंगे। प्यार से दोगे आज लेंगे, नहीं तो कल छीन के ले लेंगे, ये बता रहे हैं। जय भीम, जय मंडल, जय बहुजन, जिंदाबाद लालू जी, जिंदाबाद। शुक्रिया। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। एक आखिरी वाक्य छोटा सा सुनाना चाहता हूं। कर्पूरी जी पूरी जिंदगी फटे कुर्ते में बाल बिखरे रहते थे। एक बार बैठक चल रही थी कदम कुआ में, तो चंद्रशेखर जी ने कहा, तभी वो मुख्यमंत्री थे, चंद्रशेखर जी ने कहा ऐसा कुर्ता है आपके लिए, कुर्ता फंड का इस्तेमाल करते हैं, कई 100 रुपए इकट्ठे हो गए। कर्पूरी जी ने कहा इसे मैं बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दूंगा। हमें वैसा कर्पूरी, वो जज्बा चाहिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम। थैंक यू, शुक्रिया।